घर के करीब में मेरा एक पार्लर है, तो वहीं मैं जा रही हूँ मेकअप कराने के लिए। मैंने उनको बोला है कि मैं एक वेडिंग में जा रही हूँ, तो बहुत सारा मेकअप कराना है, प्राइस वगैरह सब वहीं जाकर पता चलेगा। तो जस्ट मैं अभी निकल रही, मैंने सिर्फ लिप बाम लिपस्टिक के साथ और थोड़ा बहुत ब्लश लगाया है। तो लेट्स सी मेकअप कैसा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। एंड मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, लेट हो गया, तो सी यू देयर। तो मैं निकल गई हूँ मेकअप कराने के लिए। अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ, अभी मैं जाने वाली हूँ वहाँ से। वहाँ जाने के बाद पता नहीं कैसा मेकअप होएगा। आई एम सो एक्साइटेड, मेरा फर्स्ट टाइम पार्लर में मेकअप कराने का है एक्सपीरियंस। मैंने आज तक एक बार भी पार्लर में मेकअप नहीं कराया। लेट्स सी। तो कितना मेकअप का तुम कितना चार्ज करते हो, लाइक नॉर्मल मेकअप का, बेसिक मेकअप का? नॉर्मल मतलब ऐसे ही नॉर्मल सादा सादा 300 का। और पार्टी मेकअप? पार्टी मेकअप का 500 रहता है। मुझे वेडिंग में जाना है, तो मुझे वेडिंग जैसा मेकअप चाहिए। वेडिंग का 1000। मैं आपको फोटो दिखा रही हूं। 1000 800 ले लो। 800 मैं फोटो दिखाती हूं, आप वैसे मेकअप कर देना ठीक है। तुम्हारा स्किन कैसा है? कैसा मतलब सूखा है या एकदम चिकना है? ड्राई। लिप बाम लगाया तो उसको रिमूव कर देना। तो यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरे को पूछे तुम वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी मेकअप कराना है, तो वो देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो भी करा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लगा रही है पूछ लेती हूँ उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरे फेस को क्लेंज कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। एंड वो जिस तरह से लगा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेकअप अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत जेंटल थी मेरे फेस पे और मेरी आईलैश तक पे उन्होंने क्लेंज कर दी चुका है। उसके बाद मुझे लगा कि वो कोई कॉटन या टिश्यू लेके आएंगे, तो वो मेरे स्काफ से चालू हो गए थे। लाइक पता नहीं क्या उनके दिमाग में था, उन्होंने मेरा स्काफ देखे मेरे ऊपर रखा है ना, वो लाइक कि मैं बोलूँ क्या क्या बोलूँ भाई, आपके पास एक टिश्यू एक कॉटन, हम मट्टी करते हैं क्लाइंट ऐसे ही मेकअप कर देते, वो चलता था ये स्काफ, किसी का स्काफ कौन कैसे यूज कर सकते हो यार। वो लाइक कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं अपने फेस और स्काफ की हालत देख रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपना हैंकी मास सब हाइड करने का सोचा, पता नहीं क्या क्या मेकअप में यूज हो जाए। सो यहाँ पे वो अगेन कुछ लगा रहे हैं, आई थिंक मॉइस्चराइजर है। स्टेप उनका अच्छा है, क्लेंजिंग का तरीका भी अच्छा था, बट द टेक्निक शी वॉज यूजिंग कांट एक्सप्लेन, पता नहीं। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि फेस से बहुत जेंटल थे वो, लाइक और कोई पार्लर में ऐसा रहता है ना कि फेस को एक कुछ समझ लेते हैं और पीटना चालू कर देते कि उससे अच्छा मेकअप आएगा। सो यहाँ पे मैं बस देख रही थी। तो यहाँ अब बारी आती है फाउंडेशन की, और वो कोई क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मेरे स्किन शेड से मैच नहीं है। और मैं तभी समझ गई थी फ्यूचर मतलब दिखाई देने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, वैसा मेरे को फील हो गया था कि पक्का मेरा स्किन जाने वाला है आज, मतलब अपने टोन से मैच नहीं होने वाला। और ये मेकअप आई कांट टेल यू गाइस पता नहीं कैसा होगा, और आप लोग देख सकते हो अभी अभी थोड़ा उनका जेंटलपन गायब हो गया है, अभी वो मेरे चेहरे से कुश्ती लड़ने के लिए रेडी हो गई हैं। एंड वो बस ऊपर से मेरा सर ऐसा पकड़ते थे कि जैसे मैं मुंडी को गोल गोल घुमाने वाली हूँ, मतलब कैसा आई कांट, मैं बोल भी नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ। और उन्होंने देखो मेरे आईब्रो तक पे लगा दिया है, लाइक आईब्रो पे कौन फाउंडेशन लगाता है, ऑलरेडी आईब्रो हमारी इतनी लाइट होती है। और मैं उनको बता रही हूँ कि एक आग पे रह गया है, मेरे अंदर भी कम नाटक नहीं है, मैंने बोला थोपो थोपो और थोपो। और वो मेरे को लगा कोई स्पंज कुछ या मेरा स्काफ ही ले लेते, इस टाइम मैं खुद अपना स्काफ ऑफर कर देती थी, बट ये सेट की नहीं, ये क्रीम बेस है ना, तो हाथ से लगाएंगे तो अच्छे से स्प्रेड होगा सेट होगा, अपनी जैसे एक्सक्यूज देते हैं पार्लर वाले इस तरह से। और किस तरह से वो मेरे चेहरे के ऊपर चटनी लगा रहे हैं फाउंडेशन की, और
अभी मैं क्यों अपने दांत छुपा रही, क्योंकि फेयर फाउंडेशन लगने के बाद ना दांत अपने आप येलो दिखने लग जाते हैं। ये फाउंडेशन इतना फेयर होता है, हालांकि माय टीथ इज वाइट और आप लोग देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स फाउंडेशन के कितना अलग है। और मैं उनको बोली कि आप ट्राई करना कि कॉन्टर भी करो। तो यहाँ पे मुझे अपनी स्किन पे अब थोड़ी सी दया आ रही थी, क्योंकि आई फील मतलब मुझे ना अजीब सा स्किन इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि मेरी स्किन सुपर डुपर ड्राई और उन्होंने जो क्रीम बेस लगा ना उससे ऐसा मैनीक्विन टाइप लुक आ रहा था, स्किन और ड्राई हो गई। हम मेकअप आर्टिस्ट का तो नाम ही क्या बोलो, हम गधे हैं गधे। हाँ मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ मैं नहीं बता सकती, मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। तो फाइनली उनको कुछ रियलाइज हुआ, मेरे नेक का कलर देख के वो समझे और उन्होंने कोई मैचिंग शेड फाउंडेशन लाए। अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनने मेरे ऊपर एक व्हाइट फाउंडेशन की चटनी पोच चुके हैं और अब वो सेकेंड पोछा लगा रहे हैं और अब उनका जेंटलपन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बस उन्होंने मेरे फेस को अब समझ लिए WWF, अब तो बस खर्चा ही कर देना है। और बाप रे, कैन सी दैट, अरे मुझे हंसी आ रही है, खुद को देख के हंसी आ रही है, वॉइस ओवर करते हुए हंसी आ रही है। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है व्हाई द हेल वो फाउंडेशन को हाथ से क्यों ब्लेंड कर रहे हैं, उनके पास एक तो ब्रश होना चाहिए। मैं टेबल पे देख रही हूँ बट वहाँ रखा है, वो ब्रश भी नहीं यूज़ कर रहा। देखिए अभी मैंने बीच में हंसा, मैं सोची अपने हाथ से ठीक करूँ, फाइनली ब्रश आ गया और यू कैन सी उन्होंने मेरे फाउंडेशन को अच्छे से सेट नहीं किया और अब बस उनको ऐसा लगा कि अब झाड़ू लगाना इज बेटर, क्योंकि फाउंडेशन उनके हाथ से सेट नहीं हो रहा था। उनको रियलाइज हो गया और अब वो पाउडर सेट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे कुछ, हाँ मैं ये बोला कि मेरा लिप बाम नहीं निकल, आपने देखे मेरे शोल्डर पे अपने आप इतने सारे डेंड्रफ आ गए एक ही बारी में। अच्छा हुआ मैं वेडिंग ड्रेस का, मैं एक वेडिंग पे जा रही थी, मैं ड्रेस पहन के नहीं आई, पक्का उस पर क्या बताओ ड्रेस भी ख़राब हो जाता था। मुझे नहीं पता था रियली में ऐसा मेकअप होगा और मैं उनको बोली भी तो बोले वो डस्ट हो जाएगा। मैं आपको एप्रिन पहनाती थी बट मैं नहीं पहनाई, मेरे पास है नहीं वॉश के लिए गया है ऐसा वैसा। और मैं उनको बता भी रही थी देखो वहाँ पे गिरी है, और मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि मेरे आँख पे ठीक से सेट नहीं हुआ है। लाइक मैं बताई ना मेरे अंदर कम नौटंकी नहीं है, मैंने भी उसको बोला कि करो अब हम पे कर रहे हैं एटलीस्ट कुछ तो प्रॉपर हो। तो यहाँ पे वापस से मेरे फेस पे पाउडर की बौछार आ गई है, कपड़ों का डैंड्रफ आ गया है एंड पता नहीं वो क्या करने की कोशिश हो रही है। और अब मैं इसके लिए हंसी हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उनको पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप, तो वो जवाब नहीं दिए। तो उनका जवाब है, मैं बताती हूँ, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप लोगों ने सुन लिया उनका यही जवाब होगा। और यहाँ पे मेरी हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि मैं बस ऐसा लग रहा था मेरी स्किन अब भी फड़ जाएगी, अभी क्रैक हो जाएगी। फाइनली उन्होंने ब्रश यूज किया मेरी आँख पे अपने आई शेडो स्टार्ट करने की और उन्होंने डायरेक्टली एक ही कलर्स के मेरे आंखों पे होली खेलना स्टार्ट कर दिया है। यस हैप्पी होली। सीरियसली व्हाट द फक आर यू डूइंग। वापस से दूसरी आई, ओह माय गॉड प्रोफेशनल तरीका, दोनों आई मेकअप एक साथ और यहाँ पे ब्रश को आराम दी जा रही है और उंगलियों को तकलीफ दी जा रही है। और आप लोग देख सकते हो उनको पता नहीं ऐसा लग रहा है हाथ और फिंगर से ना अच्छे से मेकअप होता है, उनको पार्लर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे बस हो गया, एक आई शेडो प्लेस कर दिया उन्होंने और यहाँ पे ग्लिटर प्लेस हो गया, तड़ा आई शेडो इज रेडी। मतलब इतने सेकेंड में तो हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से भी काम नहीं हो पाता है, लाइक हम भी स्टार्टअप में ऐसे ही करते थे बट इतना बुरा भी नहीं करते थे यार। देखो फटाफट थोपा जा रहा है हैप्पी होली हैप्पी होली। ये आपका रिएक्शन होगा जो लगा है फेस पे, और अभी ब्रश यूज किया जा रहा है और मेरे कॉर्नर आई पे ब्लैक आई शेडो प्लेस हो रहा है। लाइक बस सारे कलर में थोप दो आई शेडो हो गया ये कलर। क्या क्या चाह रहे हो आप, खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं मेरे आँखों पे या खिचड़ा बोलूँ मैं, क्योंकि यही कलर होता है उसमें रेड ग्रीन सॉरी रेड येलो ब्लैक। और अब पता नहीं, अच्छा मैंने उनको बोल दिया काजल मत लगा वरना मेरी आँखों में वो चले जाते थे। और यहाँ पे वो कंफ्यूज थे कि मैं हाथ यूज़ करूँ ब्रश यूज़ करूँ हाथ यूज़ करूँ ब्रश यूज़ करूँ। तो बारी बारी से सबको आराम दी जा रही थी, पहले फिंगर से कर रहे थे फिर वो ब्रश से कर रहे थे फिर वो फिंगर से कर रहे थे। और यहाँ पे आई शेडो हो गया, मतलब उनने सब प्लेस कर दिया और फिर वो बोल रहे कि आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। तो अब वो भूल गए कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ और मैं
एकदम ही कंफ्यूज थी। तो फाइनली उनका अत्याचार मेरी आंखों पे अब हो चुका है और मेरा आप विंग देख रहे हो, मतलब स्मोकी आई विथ खिचड़ी लुक, विथ खिचड़ा लुक, जो भी आप लोग कह लो। और यहाँ पे मैं बस बोल रही थी कि कैसे भी करके मेरे पाउडर ड्रेस पे जो पड़ा है उसको फेड कर देना। और मैं बस सोच रही थी कि मैं अब घर कैसे जाऊँ, और यहाँ पे वो मैंने उनको बोला कि जिस तरह से पिक में ना उस तरह से लाइनर लगाना, बोले लाइनर मैं एकदम अच्छे से विंग निकालूंगी। और आप लोग देख सकते हो सीधा मोटा स्ट्रोक ऑन माय आई, थपाक। लाइक सीरियसली ये उन्होंने मुझे लाइनर लगाया और इन्होंने जिस तरह से बोला उस तरह से विंग निकाले, विंग ने विंग निकाले उन्होंने। और अभी मैं कोशिश करूंगी थोड़ी थोड़ी आँख खोल के देखने के लिए कि उन्होंने सच में विंग निकाला है। और यहाँ पे सेकेंड आई पे करने के टाइम पता नहीं वो क्यों हाथ उनका काट दिया, क्योंकि उनको उंगली यूज करने का मन किया होगा कि अपने फिंगर से लाइनर लगाएं। और यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी आप आईब्रो कर रहे हो, लाइक उन्होंने आप लोग ने देखा लाइनर से वो मेरी आईब्रो कर रहे हैं। और उन्होंने क्या आईब्रो किया है, अनिल कपूर बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। शिनचैन आईब्रो, ये शिनचैन आईब्रो मेरा फेवरेट कार्टून। और यहाँ पे आज मेरी वो तमन्ना भी पूरी हो रही है। और मतलब लाइनर से आप लगा रहे हो तो क्या, मतलब क्या सोच के लगा रहे हो, तो फटके हुए मेरी अंदर की आवाज बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। So, ये है मेरा आई मेकअप लुक विद आईब्रो। यहाँ पे मेरी हंसी फिर से नहीं रुक रही है, लाइक मैं कोशिश कर रही थी कि वो मेरी हंसी ना देख पाए। और अभी भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मेरी आईब्रो हो गई है। ओह माय गॉड, ट्राई टू मेक अ पॉइंट, आईब्रो को पॉइंट बनाया जा रहा है। और अब मैं पक्का चाइना की रिश्तेदार लग रही हूँ, मुझे बैन कर दिया जाए। ओ भाई साहब मारो, मुझे मारो वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो लाइनर से मस्कारा भी कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे डी आई वाई हैक्स भी करने को मिल रहा है, आप लोग देखो यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक मस्सा भी दे दिया, पक्का मुझे अनिल कपूर की बहन बनाने की कोशिश हो रही है। एंड मतलब इस तरह से आप लोग एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते, मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि मस्कारा लगा लगाया तो मैंने मस्कारा देखी आपके विंग, आई मीन फॉल्सीज। और फिर मैंने बोला फॉल्सीज लगाएंगे आपकी, बोले नहीं फॉल्सीज नहीं, आपकी ऑलरेडी बहुत आईलैश बहुत आपकी बड़ी है, मैंने उसको मस्कारा कर दिया है। एंड आईब्रो आप लोग देख रहे हो, आई एम लव विद माय आईब्रो। बस यहाँ पे हर बार मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं घर कैसे जाऊँगी, मैं कैसे घर जाऊँगी। घर तो छोड़ो, अभी मेरे हस्बैंड घर पर रहेंगे, मैं उनको मुँह कैसे दिखाऊंगी, उनके डायलॉग कैसे होंगे पता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी उनका डायलॉग क्या होगा, पूरा डायलॉग मैं डालूंगी, आप लोग एंड तक देखना। और यहाँ पे वाओ क्या हाइड किया उन्होंने, मतलब पहले फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, फिर लिक्विड फाउंडेशन, फिर पाउडर, फिर उसके ऊपर काजल, मतलब लाइनर लगा के फिर उसके बाद वापस से फाउंडेशन। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखो देखो कैसा लग रहा है मेरा। ओके अब फूली से पता नहीं क्या सेट किया जा रहा है मेरी आईब्रो को। और यहाँ पे मैं खुद ही अपनी आईब्रो को सेट करने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। फिर से उनका वो ट्रिक टू हाइड दैट लाइनर, और वो हाइड कर रहे हैं इस तरह से और परफेक्ट हो गया उनके हिसाब से। और यहाँ पे मैं बस देख रही थी लाइनर सूखा कि नहीं, और अब वो वापस से मेरे फेस पे झाड़ू मारने की कोशिश हो रही है। और मैं उनको बोल रही थी कि आपने मेरे फेस पे बहुत पाउडर लगा दिया, मेरी स्किन ड्राई थी, मैंने आपको बताया आपकी लैंग्वेज में बोले तो सूखा स्किन है मेरी, सूखा। और यहाँ पे वो सुन नहीं रहे थे, बस इन लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते। और मेरे फिर से आंखों के नीचे वो लग गया है लाइनर। और यहाँ पे आप मेरे ड्रेस की हालत देख सकते हो। डैंड्रफ हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ कीजिए टू फेड दैट डैंड्रफ। और यहाँ पे वापस से कुछ करने की कोशिश हो रही है, और क्या है ये कॉन्टर, और इस तरह से उन्होंने मेरे गाल को कट किया है, लाइक क्या बोलूँ मैं इसको, डिज़ाइन बनाने की कोशिश। और यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि ये इस तरह से कॉन्टर, बोले हाँ आपका फेस राउंड है ना तो इससे आप स्लिम दिखोगे फेस से, तो लेट्स सी मैं कितनी कैटरीना और करीना दिखने के तादाद में हूँ। और यहाँ पे मेरी नाक को भी यू नो स्लिम किया जा रहा है सर्जरी के बिना मेकअप से। और इनकी ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनको पूछा आप ये कहाँ से लाइक सीखा, कैसे आपको पता चला, तो आपको तो सिर्फ 2 months हुआ ना सीखे, बोले मैं YouTube देख के ये सीखी हूँ इसको कैसे करते हैं करके। तो मैं यहाँ पे डर गए, मैं आप YouTube देखते हो, बोले हाँ खाली मेकअप वीडियोस देखती हूँ मैं। तो फिर मैं बोली अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोली मत देखा करो इतना वीडियोस YouTube पे, मतलब इतना नहीं आपको समझ में आएगा, आप ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, इससे आप ना अच्छा मेकअप कर पाओगे।
बोले हाँ हाँ ठीक है। मैं भी यहाँ पे बस डर गई थी कहीं वो मेरी वीडियो ना देख ले कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये वेडिंग का तो एक बहाना है, असल में असली रूप बाहर लाना है। और यहाँ पे एक क्लाइंट आ गया था, मैं उनको बोल रही थी कोई क्लाइंट आ गया, वो क्लाइंट आया तो बस वो उल्टे पैर वापस ही जाने वाला था, क्योंकि वो मुझे ही घूर रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मतलब वो सोच रही थी कि ये करना क्या चाह रही है, मेकअप ऐसे कैसे मेकअप हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे मेकअप होते हैं पार्लर में मेरे को यकीन नहीं था। और यहाँ पे मेरे स्किन पे अब पेन होना स्टार्ट हो गया, जुलूम होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं उनको बोल रही थी कि अब यहाँ पे आप फिंगर यूज करो ना, प्लीज ब्रश रख दो आप। बोले नहीं, इसे ब्लश को ना ब्रश ही लगाया जाता है, ब्लश को ब्रश है। और फिर उन्होंने हाथ यूज किया फाइनली, क्योंकि वो देख रहे थे मेरा फेस रिएक्शन, और हाथ यूज करने बोलने का बहुत बड़ा गलती हो गया मुझसे कि वो हाथ देख रहे हो आप लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं। पक्का मैं एनाबेला की डॉल लग रही हूँ। और यहाँ पे मैं सोची वीडियो स्टॉप कर दूँ, क्योंकि मेरे को खुद को देखने के लिए अब शर्म आ रही थी। और वो बस लगाए जा रहे थे कि उनका हो ही रहा था, मैं क्या बोलूँ। ओके तो अब बारी है हाइलाइटर की, और मैं उनको पूछी भी ये क्या है, तो बोले हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं। तो ये हाइलाइटर देख के हाथ से मेरा फ़ोन ही गिरने वाला था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो हाइलाइटर कलर अब एक्चुअल में दिखेगा कलर कैसा है, क्योंकि पार्लर में बहुत डिम लाइट थी तो इसके लिए इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो वो हाइलाइटर लगा रहे एकदम गोल्डन शिमर टाइप, जो उन्होंने मेरे आँखों पर लगाया ना वही मेरे गाल और नोज पे भी लगा रहे हैं। और क्या लगाएंगे, वो भाई साहब नोज पे देख रहे हैं आप लोग पक्का स्लिम। अब तो मैं कैटरीना और करीना से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, हैव एक्सक्यूज मी डोंट मैस विथ मी वाली क्वीन लग रही हूँ, अम्मा लग रही हूँ टोटली। मैं बस घर में जाने के बाद ही क्या करूँगी, मैं आईने पे तो देख ही नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि आप थोड़ा प्राइस कम लोगे क्या, क्योंकि मैं बार्गेन में बहुत ज़्यादा आ गई हूँ, तो मैं उनको बोल रही थी 800 से आप थोड़ा कम ले सकते हो क्या। तो मैं उनको बोली थी कि लिपस्टिक रेड लगाना, तो वो लिपस्टिक देख रहे हो किस तरह लगा रहे हो, क्योंकि वो हाथ से लगाते थे लिपस्टिक, उन्होंने बोला मैं हाथ से लगाऊंगी, बोले नहीं हाथ से मत लगाओ आप लिपस्टिक फूली से ही लगाओ ब्रश से। तो वो देख रहे हो किस तरह से उन्होंने लगाया। और यहाँ पे मैं अपने दांत से भी क्लीन कर रही हूँ, बोली अच्छा ठीक है क्लीन कर दो ना यहाँ साइड से, तो भाई वो हो जाएगा मैं उसको सेट कर दूँगी। तो वापस उन्होंने अपनी टेक्निक यूज़ किए, अपनी प्यारी सी उंगली फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से अपनी क्या बोलते हैं देखो पक्का क्लाउन बना दिया मुझे। और ये हेलोवीन मेकअप भी हो गया है, और ये यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है। क्लीन करने की टेक्निक ना इनकी माशाल्लाह दिल आ जाता है इनका। अरे मैंने तो देखा ही नहीं पकड़, मेरे को जानता नहीं, लाइक मैंने स्काफ हाइड कर दिया था, उनको स्काफ कैसे मिल गया वापस से। हाँ मैंने चेयर के बाजू में टांग दिया था, उनको मिल गया। और फाइनली उन्होंने क्लीन कर लिया, स्काफ की तो बैंड बज गई है, टॉप की तो फटे बैंड बज गई है, अब तो उन्हें हद ही कर दी। मैं बोली अरे क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप मेकअप कर रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं चक्की पिसाने आया, आटा पिसाने आई हूँ चक्की में उस तरह से। बोले नहीं नहीं मैं क्लीन कर दूंगी आप टेंशन मत लो। मुझे टेंशन नहीं लो मतलब मैं फेस पे मेकअप करानी है, ड्रेस पे मेकअप कराने का भी चार्ज लगा दोगे आप तो। बोली नहीं नहीं तो सॉरी करने लगे, मैंने अच्छा ठीक है। फिर बाद में उन्हें थोड़ा डस्ट किए, थोड़ा नॉर्मल हुआ, और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 चश्मा। सो फाइनली मेकअप हो गया है, और मैं बिल्कुल इसको लगा के 2 मिनट भी नहीं बैठ सकती, मेरी स्किन में इतनी इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इतना कवर करके क्यों आया, उनको मैं कुछ नहीं बताई क्योंकि बताने जैसा ही नहीं, इसके लिए फटाफट मैं वॉशरूम की तरफ भाग रही थी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर इसका सेकेंड पार्ट देखना है लेट मी नो, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।